अधिनायक जय हिंद भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंदा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे आज देश 75वीं स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, 75th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। अभी अभी हम लोगों ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य सुना है और उन्होंने देश की विकास की 75 साल की गाथा का बहुत ही सुंदर और अच्छा चित्र खींचा है हम सबके सामने, और साथ ही साथ उन्होंने आगे आने वाले शताब्दी का स्वतंत्रता दिवस 2047 में जो हम मनाएंगे उसके लिए हमें संकल्प लेना है कि देश हमारा सबसे आगे बढ़े, इस बात को भी उन्होंने दोहराया है। मित्रों, हम जानते हैं कि 75 साल में देश ने बहुत प्रगति की है और पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब, पिछड़े, वंचित, शोषित, जो पीछे छूट गए थे, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े थे, उनको मुख्य धारा में शामिल करना, उनका सशक्तिकरण करना, उनको मजबूती प्रदान करना, महिलाओं को, युवाओं को स्थान देना और उनसे आशा रखते हुए देश को प्रगति की ओर ले जाने की आशान्वित वक्तव्य हम सबको आज सुनने को मिला है। मित्रों, हम सब लोग आज संकल्प लें कि देश की प्रगति के लिए हम सब लोग पूरी ताकत के साथ लगेंगे, और जब देश शताब्दी वर्ष मनाएगा आज़ादी का 2047 में, तो एक शक्तिशाली देश के रूप में जो भी संभावनाएं हैं, जिनको हम स्वप्न के रूप में देखते हैं, उसको पूरा करने के लिए हम सब लोग आतुर होकर के आज संकल्प लेकर के उस काम में जुटेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको आज स्वतंत्रता दिवस पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और साथ ही साथ इस संकल्प के साथ कि हम पूरी ताकत के साथ पिछड़े हुए लोगों को, जो छूट गए हैं, उनको आगे बढ़ाने में और देश को शक्तिशाली बनाने में अपना संपूर्ण योगदान करेंगे।